हेलो दोस्तों, स्वागत है तुहाडा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भारत के दो सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। और ये हाईवे दोस्तों कहां से शुरू होते हैं और ये कहां जाकर समाप्त होते हैं, और किन कितनी दूरी है इनकी, और ये कौन कौन सी स्टेट से होकर ये गुजरते हैं। और दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आज जिस हाईवे पर हम चल रहे हैं ये चंडीगढ़ बठिंडा नेशनल हाईवे नंबर 7 है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, और ऐसी जानकारी आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है NH44, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दोस्तों, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को पहले NH7 से भी जाना जाता था, और ये 11 स्टेटों को कवर करता है दोस्तों। तो इंडिया के रोड मैप पर दिखाते हैं आपको ये कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजरता है। बात करें तो दोस्तों, मैप पर ये देखिए, यहाँ श्रीनगर से शुरू होता है, श्रीनगर से होकर जम्मू, पठानकोट होते हुए अम्बाला, दिल्ली से मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सगार, सियोन, नागपुर, निजामाबाद, हैदराबाद, कर्नूल होते हुए बंगलुरु, कृष्णगिरी, धर्मगिरी, मदुरई, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी। और इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। और स्टेट देखे तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर दिल्ली, पांचवें पर यूपी, छठवें पर MP और सातवें पर महाराष्ट्र, और आठवें पर तेलंगाना, और नौवें पर आता है आंध्र प्रदेश, और दसवें पर आता है कर्नाटका, और ग्यारहवें पर आता है तमिलनाडु। 11 स्टेटों को कवर करता है दोस्तों ये NH44। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और गूगल मैप की बात करें तो दोस्तों, गूगल पर अगर हम सर्च करेंगे श्रीनगर से कन्याकुमारी, तो हमें वो ये रास्ता दिखाएगा, जहाँ दिल्ली तक तो सेम ही दिखाएगा, दिल्ली से आगे वो गुड़गांव होके जयपुर की तरफ निकलाएगा, बराना होते हुए ये रतलाम, अंदौरा, ये रास्ता वो हमें दिखाएगा बाया NH52 का रास्ता। और इन दोनों रास्तों में से लगभग 100 किलोमीटर का अंतर है दोस्तों, इस साइड ज़्यादा पड़ेगा और इस साइड कम पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की, जो NH27 के नाम से जाना जाता है। यह हाईवे गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर असम के सिलचर तक जाता है। तो दोस्तों, आओ चलते हैं इंडिया के रोड मैप पर और देखते हैं दूसरा हाईवे। तो दोस्तों, भारत का जो दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH27, जो गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और ये जाता है असम के सिलचर तक, यहाँ तक। और ये दोस्तों जहाँ से शुरू होता है, पोरबंदर से राजकोट होते हुए पालनपुर, पालनपुर से अबू रोड, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बुरहान, बुरहान से शिवपुरी, झांसी, झांसिया के इन दोनों रोडों का क्रॉस हो जाता है दोस्तों। जो NH44 है वो कुछ दूरी के लिए NH27 पर भी आता है, यहाँ पर एक कस्बा आता है सजवाहा, सजवाहे से घूमता है ये नीचे की तरफ, और उसके बाद झांसी के बाद कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, मधुरी, पटना के बाद पूर्णिया होते हुए यहाँ गुवाहाटी, दिसपुरे से होते हुए जहाँ सिलचर पहुँच जाता है। और दोस्तों,
स्टेट की बात करें तो स्टेट पहले नंबर पर आता है गुजरात, दूसरे पर आता है राजस्थान और तीसरे पर आता है मध्य प्रदेश और चौथे पर आता है उत्तर प्रदेश और पांचवें पर आता है बिहार और छठवें पर आता है पश्चिम बंगाल और सातवें पर आता है असम। असम के सिलचर पर आके ये ख़त्म हो जाता है और इसकी लंबाई लगभग 2325 किलोमीटर है और ये 7 स्टेट को कवर करता है दोस्तों। पर दोस्तों ये दो भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग। और तीसरे नंबर पर ये दिल्ली से ये आता है चेन्नई, ये किसी और वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर करना और जो कोई वीडियो बच्च कमी पेची है तो कमेंट जरूर करके दसना और सारे वीरां दा धन्नवाद।